श्रीनगर पुलिस थाना अंतर्गत हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक आहूत। सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक करते हुए थाना अधिकारी ने बताया कि आने वाली दीपावली पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इस हेतु हमें सजग रहना चाहिए। सभी सीएलजी सदस्यों ने आश्वस्त किया कि अवैध ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण माहौल में दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। आज हमने जो दीपावली और गोवर्धन पूजा के त्यौहारों के मद्देनज़र पुलिस थाना श्रीनगर पर आज शाम को 4 बजे सीएलजी सदस्यों और शांति समिति सदस्यों की मीटिंग आहूत की, जिसमें काफ़ी तादाद में जो है सदस्य उपस्थित हुए और त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की सबसे अपील की, जिसमें सब ने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात नहीं होने देंगे, हम पूरी तरह जिम्मा लेंगे। जिसमें सदस्यों ने बताया कि रॉकेट जो अभी जो बरसात से फसल कटाई का कार्य चल रहा है, चारा फूस ऐसा जो है बाड़ों में और में इकट्ठा कर रखा है, जिसमें बच्चे रॉकेट छोड़ने से कहीं आगजनी की घटना नहीं हो जाए, इसलिए भी सभी सदस्यों को इस बात के लिए निवेदन किया गया कि अपने बड़े मोहल्ले में जो है रॉकेट छोड़ने से बच्चों को, उनके परिवार को, सदस्यों को मना करें, जिसमें इन्होंने सेव देने की पूरी जो है भरोसा दिलाया है। और मैं मानता हूँ कि इनके सहयोग से जो है हमारे क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में दीपावली और गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। सर, कोई समस्या रखी है सदस्यों? हाँ, सदस्यों ने समस्या मूल रूप से रखी है, जैसे हाईवे के ऊपर अपने जो ये खेड़ा चौरा है उस पर एक ब्रेकर बनाया जाए और एक ये हाथी पट्टा वाला जो रास्ता है इसके ऊपर एक ब्रेकर बना जाए, जिससे दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ कम हो। तो उसके लिए हमने जो है ये जो हाईवे का जो काम चल रहा है उनके ठेकेदार से बात कर ली है, कल की तारीख में ये ब्रेकर बन जाएगा। और इसके अलावा सुबह सुबह ये सांसी समाज की जो औरतें हैं वो ट्रक वालों को रुकवाती है और ट्रक वाले उनके चक्कर में जो है रोक लेते हैं, वो उनके साथ बैठ के जाती है कुछ रास्ते तक, दो चार किलोमीटर तक साथ जा करके उनको बरगला करके कुछ उनके टूल्स वगैरह नीचे डाल देती है। क्योंकि इस संबंध में कोई ट्रक चालकों की कोई शिकायतें हमारे पास नहीं आती है, लेकिन आम जनता का ये कहना है, इसलिए इसके हम लगाम लगाएंगे। सुबह एक प्रातःकालीन एक गश्त भेजेंगे जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंकुश लगाएंगे। और एक जो ये कौन सा रास्ता है, जिलावड़ा रोड पे जो सासी समाज के लोग जो है टायर वगैरह रख करके राम रास्ते पे जो है अतिक्रमण कर रखा है, इनके खिलाफ जो हम लीगल कार्रवाई करेंगे।